ओके सो स्टूडेंट्स कम टू क्वेश्चन नंबर सेकंड एक्सरसाइज 7.1। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए बेटा क्या कह रहा है, ए बी सी डी क्वाड्रेटल है जिसमें ए डी बी सी के बराबर है, इन विच ए डी इक्वल्स टू बी सी एंड एंगल डी ए बी एंगल सी बी ए के बराबर है। एंगल डी ए बी एंगल सी बी ए के बराबर है तो हमें क्या प्रूफ करना है, ट्राइंगल ए बी टी किसके बराबर होगी, ट्राइंगल बी ए सी के बराबर होगी। ये आपकी एन सी आर टी बुक है, इसे आप अगर हो सके तो आपके पास होगी ये बुक, ठीक है। तो एक ए बी सी डी क्या है बेटा, हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें ए डी बी सी के बराबर है। सुनिए ये फिगर है, ये आपका फिगर दे रखा है ए बी डी, ए बी डी, ओके ए बी डी बुक है, ए बी डी आपकी एक लाइन है, क्या है ए बी डी एक आपकी लाइन है, इस टाइप से फिगर है थोड़ा सा, ए बी डी ये आपकी डी हो गई और ये आपकी सी हो गई। एनसीआर से करवा रहा बेटा क्वेश्चन आपको, ठीक है ना, कि ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल है जिसमें एंगल जो आपकी ए डी किसके बराबर है, बी सी के बराबर है, मीन्स ए डी बी सी के बराबर है, ऐसे मान लिया तो ए डी बी सी के बराबर है। एंड एंगल डी ए बी, डी ए बी किसके बराबर है, पूरा एंगल एंगल सी बी ए के बराबर है, एंगल सी बी मीन्स एंगल डी ए बी जो है वो किसके बराबर है, सी बी ए के बराबर है। क्लियर हो गया होगा, आपके समझ में आ गया होगा आपको। हमें यह प्रूफ करना, प्रूफ दैट हमें प्रूफ करना है ट्राइंगल ए बी डी, ए बी डी इज कॉन्वेंट टू ट्राइंगल बी ए सी, ठीक है। अगर इसके पास एनसीईआरटी बुक नहीं है तो बेटा एनसीईआरटी आप डाउनलोड भी कर सकते हैं नेट से सिंपली, और सर देख सकते हैं एनसीईआरटी क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको इसलिए, है ना। जिसके पास नहीं है तो वो कहेंगे हमारे पास बुक नहीं है तो कैसे करेंगे, तो आप नेट से आप देख सकते हैं क्वेश्चन मिल जाएंगे बिल्कुल एनसीईआरटी के, बहुत सारे साइट्स हैं जिनसे आपको इजिली मिल सकते हैं क्वेश्चन, इवन डाउनलोड भी कर सकते हैं आप पूरी एनसीईआरटी बुक। तो ए बी डी किसके बराबर है बेटा, बी ए सी के बराबर है, ये सॉरी ए, हमें क्या प्रूफ करना है ट्राइंगल ए बी डी कॉन्वेंट होगा बी ए सी के। तो आप एक बार समझिए ट्राइंगल ए बी डी कौन सा बन रहा है, पहले आप इसको अलग से बनाइए, यहाँ पे देखिए ए बी डी बना दो, ए बी डी ऐसी बन रहा है कुछ दिख रहा है आपको, ए बी डी बना ली ट्राइंगल, और बी ए सी कौन सा बन रहा है, सर ये वाला बन रहा है बी ए सी, देखो बी ए सी भी किस टाइप से बन रहा है, बी ए सी बन रहा है बेटा, दो ट्राइंगल बन गए, यही हमें ये दो ट्राइंगल प्रूफ करने, देखो ए बी डी और बी ए सी प्रूफ करना हमें। तो अब क्या करोगे सबसे पहले आप, सबसे पहले आकर क्या करेंगे हम, देखो प्रूफ करना हमें गिवन क्या दे रखा है, हमको गिवन क्या दे रखा है कि ए डी बी सी के बराबर है एंड एंगल ये वाला एंगल, ये कंप्लीट एंगल जो दिख रहा है आपको ऊपर का, एंगल बी ए डी किसके बराबर है, एंगल ए बी सी के बराबर है, बी ए डी किसके बराबर है, ए बी सी के बराबर है, दिख रहा होगा आपको बी ए डी, ये ऊपर वाला एंगल किसके बराबर है, ए बी सी इस वाले एंगल के बराबर है। तो हमें प्रूफ करना है, तो दो बहुत सिंपल है कुछ नहीं है, तो आ जाओ जिस ट्राइंगल को प्रूफ करना होता है उस ट्राइंगल में हमें कॉन्वेंस प्रूफ करनी है पहले, तो उस ट्राइंगल को देख लेंगे इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल कौन सा देखेंगे जो हमें प्रूफ करना है, बी ए सी इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल बी ए सी देखेंगे, क्लियर। अब देखिए इसमें करना क्या हमको, इसमें ये करना है कि आपको सुनिए ए डी किसके बराबर है, बी सी के बराबर है, ये हमें दे रखा है गिवन, सेम लिखोगे गिवन जो हम सीखते आए अभी तक, ए बी किसके ए डी किसके बराबर है, बी सी के बराबर है। और सर देखो ये वाला एंगल देखो बेटा बी ए डी, बी ए डी ये दे रखा है, बी ए डी किसके बराबर है सर, इस वाले एंगल के बराबर है, ए बी सी के बराबर है, बी ए डी किसके बराबर है, ए बी सी के बराबर है, एंगल बी ए डी किसके बराबर है, एंगल ए बी सी के बराबर है, कैसे है ये भी क्या हमको गिवन, गिवन मतलब है दे रखा है। चलिए और हमें क्या दे रखा है, और देखो और एक चीज हमें और कुछ दे रखा है, लेकिन हम निकाल सकते हैं कैसे, देखो आप जरा ढंग से देखना बेटा फिगर को, फिगर को ढंग से देखो, क्या कोई चीज कॉमन दिख रही है आपको, क्या कोई चीज कॉमन दिख रही है, ओके यस सर दिख रही है, जो क्या कि देखिए सर ए बी जो है, देखो ए बी साइड यानी ए बी साइड दोनों ट्राइंगल में आ रही है, ए बी डी में भी आ रही है और बी ए सी में भी आ रही है, देखो आ रही है ना, देखो ए बी साइड जो होती है ए बी डी में भी आ रही है और बी ए सी में भी आ रही है। इसका मतलब क्या है कि ये साइड क्या हो गई हमारी सर कॉमन, मैं देख रही है क्योंकि मैं थोड़ा बहुत थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है इसमें कि ए बी किसके बराबर है, ए बी के, देखो दिख रहा है ना
ऑब्वियसली बात है दोनों साइड्स दोनों ट्रायंगल में आ रही है तो क्या है हमारी कॉमन साइड है, तो ए बी किसके बराबर है, ए बी के इक्वल है, क्या है कॉमन। अब मैं जल्दी से बताओ कौन सी प्रॉपर्टी लग गई, कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, सो ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्वेक्स टू ट्राइंगल कॉन बी ए बी ए सी, प्रॉपर्टी देखो बेटा बाय, सुनो कैसी प्रॉपर्टी देखो, ए बी के बराबर, ये एंगल इस एंगल के बराबर, और हमें क्या दे रखा है ए डी बी सी के बराबर, देखो ए डी बी सी के बराबर, सॉरी इसके बराबर, ए डी बी सी के बराबर, देखो ए बी के बराबर कॉमन है, ये एंगल इस एंगल के बराबर और ये साइड मीन्स ए डी बी सी के बराबर, तो साइड एंगल साइड, यहां भी क्या बनना है साइड एंगल साइड, दो साइड्स के बीच में एक एंगल, तो प्रॉपर्टी क्या लगेगी साइड एंगल साइड बाय एस ए एस, बाय एस ए एस प्रॉपर्टी से क्या होगा दोनों ट्रायंगल क्या होगा कॉन्वेक्स होगा, इससे क्या समझ में आया कि दोनों ट्रायंगल हमारे कॉन्वेक्स होगा एस ए एस से। और कुछ पूछ रहा है क्वेश्चन में, बिल्कुल पूछ रहा है, क्या कर रहा है बी डी इक्वल्स टू ए सी, अब आप जानते हैं इसके बाद क्या करते हैं हम सी पी सी डी, तो बी डी किसके बराबर आ रही है ए सी के बराबर है नहीं, सेकंड थर्ड पोजीशन, सेकंड थर्ड पोजीशन, तो बी डी ए सी के बराबर है कौन सी प्रॉपर्टी बाय सी पी सी पी, और देखो क्या दे रखा है, और देखो क्या दे रखा है, पूछ रहा है एंगल ए बी डी क्या एंगल बी ए सी के बराबर होगा, बिल्कुल होगा, कैसे देखो एंगल ए बी डी ये एंगल बिल्कुल होगा, देखो एंगल ए बी डी कौन सी पोजीशन एंगल बी की, एंगल ए बी डी का मतलब हम बीच वाले एंगल की बात कर रहे हैं, एंगल ए बी डी मतलब इस वाले, इस वाली की कौन सी पोजीशन है सेकंड पोजीशन है, तो ये किसके बराबर होगा एंगल बी ए सी के बराबर होगा, नहीं होगा क्योंकि सर ए की भी कौन सी पोजीशन है सेकंड पोजीशन, देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो एंगल बी ए सी भी क्या होगा आपका, बी ए सी भी क्या होगा आपका बेटा बराबर होगा, तो एंगल ए बी डी किसके बराबर हो गया बी ए सी के बराबर हो गया, मैंने बताया था सी पी सी डी से बराबर आते हैं, पोजीशन देख के आप इजीली बराबर कर सकते हैं बाय सी पी सी डी, ये दोनों हमने प्रूफ कर डाले, ठीक है ये सेकंड प्रूफ हो गया और ये थर्ड प्रूफ हो गया एनसीईआरटी, क्वेश्चन नंबर सेकंड था बेटा ये आपका एनसीईआरटी का, समझ में आ गया होगा इसको आप जल्दी से नोट कर लीजिए कॉपी पर अपने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नोट कर लीजिए, और अगर आपके पास क्वेश्चन नहीं है तो आप नेट से देख लीजिए और नोट कर लीजिए उनको क्वेश्चन को, ठीक है मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है जल्दी से नोट कीजिए इसको स्टूडेंट्स। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर फाइव, देखिए थर्ड एंड फोर्थ तो आपके सिंपल है सेम उसी प्रॉपर्टीज में, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है तो आप उसे खुद भी कर सकते हैं, मैं आपको क्वेश्चन नंबर फाइव करवा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर फाइव देखिए क्या कह रहा है बेटा, एक लाइन एल इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, एक लाइन एल है एंगल बाइसेक्ट कर रही है एंगल ए को, एंड बी इज एनी पॉइंट ऑन एल, एक बी और क्या है पॉइंट है एल पे, तो एक ये सब सपोज कीजिए एक लाइन दे रखी है हमें, इस टाइम पे फिगर दे रखा है, ठीक है ये आपको फिगर दे रखा है समझिएगा क्वेश्चन को, कि लाइन एल इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, लाइन एल क्या है एंगल ए की बाइसेक्टर, मींस ये लाइन जो जा रही है बेटा एंगल ए को बाइसेक्ट कर रही है, मींस इसका मतलब क्या हो गया एंगल क्यू ए बी किसके बराबर हो जाएगा, ये छोटा सा एंगल किसके बराबर होगा पी ए बी के बराबर हो जाएगा, पी ए बी के बराबर होगा, ये दे रखा है क्यों, क्योंकि लाइन एल क्या है बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर मतलब बताया था मैंने आपको कि डिवाइड कर रही टू पार्ट्स में इक्वली एंगल्स को, एंगल बाइसेक्टर होता था ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या हो गया बराबर हो गया, ठीक है चलिए और देखिए और इसमें देखो क्या दे रखा है बेटा, शो दैट और बीपी एंड बीक्यू आर परपेंडिकुलर फ्रॉम द बी, बीपी एंड बीक्यू आर परपेंडिकुलर फ्रॉम बी ऑन द आर्म्स ऑफ एंगल ए, देखो बेटा बीपी और बीक्यू, बीपी और बीक्यू क्या आपके परपेंडिकुलर है, ठीक है ना बीपी मतलब ये दोनों एंगल कितने डिग्री दे रखे हैं हमें 90 डिग्री, परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है 90 डिग्री, तो एंगल बीपीए कितना दे रखा हमें बीपीए, बी पी ए किसके बराबर दे रखा है एंगल बी क्यू ए, ईच क्या है ईच 90 डिग्री है ये हमें दे रखा है गिवन है, ठीक है एक तो ये दोनों एंगल बराबर है और ये दोनों एंगल के 90 डिग्री है, बहुत अच्छे। अब देखिए हमसे पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है बेटा शो दैट पहला प्रूफ क्या कह रहा है हमसे, पहला प्रूफ कह रहा है कि ट्राइंगल ए पी बी, ए पी बी इज कॉन्वेक्स टू ट्राइंगल ए क्यू बी, ठीक है चलिए तो मैंने आपका जिससे जिस ट्राइंगल में कॉन्वेंसी प्रूफ करने को उस ट्राइंगल में आ जाइए फटाफट से, तो ए पी बी हमें ट्राइंगल दे तो पहुंच जाओ और ए क्यू बी ट्राइंगल पहुंच जाओ, ठीक है तो ए पी बी
अब हमें देखो एपीबी और एक्यूबी में हमें क्या क्या दे रखा है क्वेश्चन में, पहले तो वो लिख लो एपीबी एंड ट्राइंगल ए क्यू बी। हाँ बताओ बेटा। अच्छा मुझे एक चीज बताओ क्या दे रखा है कि सर हमें ये दोनों एंगल 90 डिग्री दे रखे हैं, दे रखे नहीं दे रखे 90 डिग्री। ट्राइंगल क्यू बी क्यू ए किसके बराबर दे रखा है बेटा हमें, देखो बी क्यू ए, बी क्यू ए मीन सी वाला एंगल, तो बी पी ए के बराबर, बी क्यू के दोनों एंगल क्या है 90 डिग्री है, हमें दे रखा है एंगल बी पी ए ईच 90 डिग्री। दूसरी बात देखो बेटा ये एंगल और ये एंगल भी बराबर दे रखे थे हमें एंगल क्यू ए बी, क्यों, क्योंकि सर लाइन एल थी वो बाइसेक्ट कर रही थी एंगल ए को, ठीक है, तो क्यू ए बी किसके बराबर होगा जल्दी से बताइए बेटा, बी ए पी के बराबर होगा, कौन सी क्या हो जाएगा, क्यों, क्योंकि एल इज द एंगल बाइसेक्टर, एल इज द एंगल बाइसेक्टर, किसकी एंगल बाइसेक्टर थी ऑफ एंगल ए। ये बेटा समझ में आ गया क्लियर है ऑफ एंगल ए, यहां तक सबको समझ में आया क्लियर है। चलो अब देखिए, अब कहोगे सर दो चीज दे रखी, किसी चीज नहीं दे रखी, हम क्या करेंगे, हमें ये एंगल इस एंगल के बराबर है और ये एंगल इस एंगल के बराबर है, तो मैंने आपसे बोला देखो कुछ चीज कॉमन भी निकलती है कहीं ना कहीं से निकल रही होगी, तो ए बी क्या है कॉमन है, देखो ए बी भी देखो ए क्यू बी में आ रही है और ए बी किस में आ रही है, ए बी बी में आ रही है, तो ए बी क्या हमारी कॉमन साइड है, तो ए बी इजिकल्स टू क्या हो गया, ए बी इजिकल्स टू ए बी क्या है बेटा कॉमन। अब लेकिन तुम थोड़ी दुविधा में आ रहे हैं क्या, सर ये तो प्रॉपर्टी पढ़ी नहीं अभी हमने, पढ़ोगे अभी, देखो देखो तो क्योंकि देखो ए बी ए बी के बराबर आ गया, ढंग से फिगर देखना बेटा, पहले एक एंगल आया फिर एक एंगल आया फिर एक साइड आया, यही हुआ पहले एक एंगल फिर एक एंगल फिर एक साइड, यहाँ भी एक एंगल यहाँ एक एंगल फिर एक साइड आया, तो अभी तक हमने तो प्रॉपर्टी पढ़ी थी साइड एंगल साइड और एंगल साइड एंगल, साइड एंगल साइड और एंगल साइड एंगल हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, लेकिन अब एक प्रॉपर्टी और होती है बेटा एंगल एंगल साइड, क्या होती है पढ़ लो प्रॉपर्टी होती है एंगल एंगल साइड, क्या होता है इसमें देखिए, जैसे दो साइड्स के बीच में एक एंगल होगा तो उसमें प्रॉपर्टी बोलती है बोल देते हम साइड एंगल साइड, लेकिन अगर दो एंगल दो एंगल दे रखे हो फिर क्या दे रखी हो साइड दे रखी हो, तो प्रॉपर्टी कौन दे रही है एंगल एंगल साइड, देखो ऐसे इस टाइप से समझ लीजिए, रफ में लिख लेना आप, ठीक है रफ में लिख लीजिएगा बेटा ए बी सी और ये डी ई एफ, साथ साथ क्वेश्चन आएंगे समझाता रहूंगा प्रॉपर्टीज, ए बी सी और डी ई एफ, मान लीजिए ये एंगल 60 है ये भी 60, ये था ये मान लीजिए 50 है तो ये भी 50 डिग्री है, मान लीजिए एंगल बी कितना है 50 डिग्री है तो ये भी कितना होगा 50 डिग्री, और क्या है बी सी इसके बराबर है ई एफ के, देखिए ढंग से देखिए ए बी एंगल ए एंगल डी बराबर है 60 60, एंगल बी एंगल ई बराबर है 50 50 और बी सी किसके बराबर है ई एफ के, तो कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी एंगल एंगल साइड, तो यही प्रॉपर्टी भी होती है जिससे हम ट्राइंगल कॉन्ग्रेट प्रूव कर सकते हैं, मीन 60 60 के बराबर 50 50 के बराबर और बी सी ई एफ के बराबर, तो देखो कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, पहले का एंगल आया फिर दूसरे, क्योंकि देखो बेटा ए बी डी के बराबर हमें नहीं दे रखी है, ए बी डी के बराबर दे रखी है नहीं दे रखी है, तो हमें पहले एक एंगल एंगल के बराबर दे रखा है, फिर दूसरी बार भी दूसरा एंगल इस एंगल के बराबर दे रखा है, फिर तीसरी बार बी सी और ई एफ के दे रखी है आपस में बराबर दे रखी है, जब इस टाइप का केस बनता है तो क्या कौन सी प्रॉपर्टी लगती है एंगल फिर दूसरा एंगल फिर एक साइड, तो सिमिलरली देखो यहाँ पर देखो इस फिगर में, ठीक है तो उसे पॉज करके आप नोट कर लीजिएगा प्रॉपर्टी को, अब यहाँ पे देखो बेटा यहाँ देखो देखो ये एंगल आया 90 डिग्री वाला, ये एंगल आया फिर ए बी साइड आएगी, तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी एंगल एंगल साइड लगेगी, साइड एंगल साइड मत करें गलत हो जाएगा, कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी एंगल एंगल साइड, तो क्या करोगे सो ट्राइंगल जो पूछा है ए बी बी किसके कॉन्ग्रेंट हो गया, ट्राइंगल इसके ए क्यू बी, ये तो बताओ हमसे कौन सी प्रॉपर्टी लगी थी एंगल एंगल साइड, क्यों, क्योंकि सर पहले दो एंगल आए फिर एक साइड आए, दो एंगल फिर साइड दो एंगल फिर एक साइड, ये बात समझ में आ गई होगी आप सबको बहुत बढ़िया। अब देखिए ठीक है ये हमारा पहला प्रूफ हो गया, सेकंड प्रूफ देखो पूछ रहा है बेटा बीपी इज इक्वल टू बीक्यू, क्या बीपी बीक्यू के बराबर होगा, मैंने कहा था जब दूसरा तो पहला कॉन्वेंसी प्रूफ हो गई होती तो सिंपलिसिटी लगी रही होती है, देखो क्या बीपी बीपी की पोजीशन बताइए सेकंड थर्ड पोजीशन है, देखो क्या बीपी सेकंड थर्ड के बाद देखो जी क्या बीपी क्यूबी के बराबर है, सर बिल्कुल है बीक्यू के बराबर है ना सेकंड थर्ड पोजीशन, ये भी इसकी पोजीशन क्या है सेकंड थर्ड, और यहां भी क्या है सेकंड थर्ड बिल्कुल बराबर होगा, तो बीपी किसके बराबर हो गया बीक्यू के, कौन सी प्रॉपर्टी बाय सीपी सीटी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्वेंट ट्रायंगल, ठीक है ना, तो इस तरीके से आपके मैंने क्वेश्चन नंबर 5 करवा दिए हैं, ठीक है नेक्स्ट क्लास में जब हम करेंगे तो उसमें क्वेश्चन नंबर 6 से आपको करवाऊंगा, ठीक है तब तक इसको आप नोट कीजिए समझिए अच्छे से, ओके।
थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।